नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, लुधियाना की दाना मंडी से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं खूबसूरत तो हर कोई होता है, लेकिन निखरता वही है जिस पे रंगे महबूब चढ़ा हो। मेरे साथ हैं अनिल काशी मुरारका, जो पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री 45 सालों में मीरा कैंप बनाई है, उसको खड़ा किया। और दूसरी तरफ एक खूबसूरत चेहरा है जो कि खूबसूरती से भारत की बात कहती हैं, नवनीत कौर ढिल्लो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप रंगों कपड़ों में रंग भर रहे हैं और लुधियाना में आए, मैं आपका रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक क्लिप मिली जिसमें आप जी लेडीज फर्स्ट। मेरा रिसर्च अपन बाद में करेंगे, पहले जो आपको पूछना है मैम से बात करें पहले आप। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा खूबसूरती की बात होती है, भारत लगातार विश्व में अपनी खूबसूरती से, अपने दिमाग से एक छाप छोड़ रहा है। नवनीत कौर ढिल्लो की क्या बात है नए भारत में कि आज आप यहाँ मीरा कैम के स्टॉल पर आई है? Well, जैसे कि आपने पहले ही कहा सर, यहाँ पे रंग भर रहे हैं हर चीज़ में। आज मैं सीखने आई हूँ, सच बताऊँ तो, कि कपड़ा बनता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है, जो हम में से किसी को नहीं पता। आज मुझे जब पता चला है कि कैसे प्री ट्रीटमेंट, फिर डाइंग, फिर फिनिशिंग, सब कुछ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ हर उस कपड़े के लिए जो हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं। सो थैंक्स टू यू सर। नवनीत जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज समय भारत को देने का है, क्या देना चाहती हैं आप? अपनी बात से, मुस्कान से तो असर डाल ही रही हैं, लेकिन अपने काम से कैसे, क्या सोच रही हैं आप? मैं यही कहूँगी अगेन, थोड़ी सी सर की मीरा कैम इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लेते हुए, कि हर यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ हो रही है। एंड हम जितना ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के काम करें, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम हर शहर में पोल्यूशन देख रहे हैं और मतलब हालत ख़राब से खराब और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें करें, जैसे कि मीरा कैम इंडस्ट्रीज़ में हो रही है। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को माइंडफुली करें और एक्सप्लॉइट नहीं करें अपने एनवायरनमेंट को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने नवनीत जी उठाया। मैं सर ये सवाल है क्योंकि ये जिस तरह की बात कही है, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। अनिल काशी मुरारका, कैसे ये संकल्प ले रहे हैं कि हम जो भी बनाएंगे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने की भी अब चिंता भारत बड़ी प्रमुखता से रख रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक डेफिनेटली बड़ी गंभीर समस्या है, हर कोई उससे लड़ रहा है, इंडिया नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक इशू है आज की तारीख में। आपने कहा अनिल मुरारका क्या कर सकता है, अनिल मुरारका का बड़ा छोटा सा योगदान है कि कम से कम जो कुछ भी वो केमिकल्स आज बना रहा है, ईमानदारी से, शिद्दत से, शपथ ग्रहण करते हुए, ये 101% है कि हम जो कुछ भी बनाएं, जैसे मैम ने कहा, फॉर ग्रीन केमिस्ट्री बनाएं, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए बनाएं। हमारा ये कर्तव्य है कि जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें हम अच्छा भारत देकर जाएं। संक्षेप में आप इतना समझें, ये वक्त आ गया है कि हर कोई अनिल मुरारका की तरह जो भी आज केमिकल्स बना रहा है वो एक प्रण ले कि जो कुछ भी वो बनाएं अपने देश की हित में बनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है मेड इन इंडिया, वो साकार हर चीज़ में होना ज़रूरी है। इट्स अबाउट प्लेजिंग फॉर द प्लैनेट दैट वी शुड मेक इंडिया अ ड्रीम कंट्री। एक समय था जब हमारे इस वतन को सोने की चिड़िया करके बुलाते थे, वो दिन दूर नहीं जब इस वतन को फिर से सोने की चिड़िया
बुलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और आज इस देश में ऐसी हस्ती है जो देश को नए शिखर पर ले जाना चाहती है। मैं उस इंटरव्यू का फिर जिक्र करूंगा जिसमें आपने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा था कि कैसे केमिकल इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़े हो। कहां तक बात पहुंची है अनिल साहब? डिस्कशंस चल रहे हैं, ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द पंजाब में हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे। इट्स अ थॉट, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच टॉक्स अबाउट यूरिया। यूरिया इट्स अगेन बेस्ड टू एग्रीकल्चर। हमारे किसान भाई, हम ये सब जानते हैं, देखते आए हैं कि हर एक किसान भाई 50 किलो की एक यूरिया की बैग अपने कंधे पे लेके चलता है। एक कंपनी है बेस्ड इन अहमदाबाद गुजरात, इफको, जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसको आप एक बोतल में कैद कर सकते हैं। 50 किलो की बैग 250 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट की गई है। इट्स अ ग्लोबल रिवोल्यूशन। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में है। जैसे मैंने कहा, देखिए प्रयास हमारा करना ज़रूरी है लेकिन मंजूरी वहाँ से आती है। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप कुछ ना कुछ पंजाब में सुनेंगे हमारे बारे में सुनेंगे। मैं आप नवदीप जी आपके पास आता हूँ कि पंजाब की आप बेटी हैं, पंजाब की बात रखती हैं और खेती तो यहाँ का जो हरित क्रांति है उसमें किया था, लेकिन अब रसायन मुक्त खेती हो, ये भी कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप या क्या सोचती? सर डेफिनेटली होना चाहिए। आज के टाइम पे आई थिंक बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक मैं जितने भी किसानों से आमतौर पे कभी मिलना होता है या बात करना होता है तो वो कहते हैं हम तक पहुंचती नहीं है ये चीज़ें। तो उनके पास अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। उन तक वो चीज़ें पहुँचे कैसे कि हर किसान के हाथ में हो, बिकॉज़ हर कोई उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। उनके हाथ में आप दोगे, आप उनको बताओगे इसका क्या फ़ायदा है, वो तब यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों पे ही चलते जाएंगे जो हमेशा से चलते आ रहे हैं। सो आई थिंक नॉलेज इज़ द की। आप जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। नवदीप जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक हम अच्छी तस्वीर देख रहे हैं भारत की, लेकिन पंजाब में जब देखते हैं कहीं लगता है कि अगर इन चीज़ों को हम दूर करें तो हमारा पंजाब बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। नवनीत जी के करीब कौन सी ऐसी समस्या जिनको वो एड्रेस करना चाहती है? सर मुझे लगता है कि पंजाब से खूबसूरत स्टेट कोई नहीं है। बिल्कुल। एंड हम पंजाबियों में एक बड़ी अपने आप को क्रिटिसाइज करने की आदत है, तो अपना क्रिटिसिज्म छोड़ दें हम, और जैसे हम खूबसूरत एक प्रदेश हैं वैसे बन के रहें तो कोई हमें बीट नहीं कर सकता। तो हमारी सबसे बड़ी, कोई आप कहीं और जाएंगे ना कोई नहीं बोलेगा कि हम में ये कमी है, हम में वो कमी है। हम पंजाबियों की आदत है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। वो अच्छी चीज़ है जब ग्रोथ के लिए, बट हमेशा ना करें। चलिए तो खुशकिस्मत है जिस पर पंजाब की ऐसी बेटी हो उसको तो नाज होना ही चाहिए। सर आपसे भी मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं और अनिल काशी मुरारका लगातार दे रहे हैं, आप एक एम्पल मिशन के तहत एसिड जो विक्टिम्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, आपका क्या संकल्प है सर? नरेश जी, देश हमारा जिसमें हमें जैसे कहा पंजाब का कहा इन्होंने, मैं कहता हूँ भारत एक ऐसा देश है, अगर वहाँ एकता और अखंडता के साथ हम बढ़ते चलें हर चीज़ संभव है। इंडिया इज़ अ वर्सेटाइल कंट्री, यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। हमको हमारे को अंडर वैल्यू नहीं करना है। हम वो देश हैं जिन्होंने सब कुछ दिया ही आज तक। आप नाम लें, भगत सिंह जी की बात करें, मतलब पटेल साहब की बात करें, आप ऐसे ऐसे फनकार, एक नाम देना चाहूँगा, आई विल नेवर फॉरगेट दैट, इंडो पाकिस्तान वर्ल्ड, मतलब पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर टू, सरगोधा एयरपोर्ट। हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सब थकौसले हैं। आप याद करें कैप्टन हमीद जिन्होंने फाइटर प्लेन को लेके सरगोधा एयरपोर्ट के अंदर घुस गए थे, और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा
इंडिया को वॉर जीतने का। ऐसे महारथी हमारे देश में है, ये अननेसेसरी जो भेदभाव ने कर रखा है इसको ख़त्म करें एंड लेट्स कीप मार्चिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी और बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी। तभी तो किसी संत ने कहा, क्योंकि मैं फ़कीरों की धरती से हुंकार भर रहा हूँ कि मस्जिद की ना मंदिर की फ़कीरा तू गल सुना अंदर की। और आज पंजाब की बेटी ने अपनी बात कही है और अनिल काशी मुरारका ने भी अपनी बात कही, निश्चित रूप से इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। और आप बने रहें नए भारत की बात के साथ।